ये निडलेस को मैं एंकर हैंड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से बनाऊंगी। ये एंकर हैंड एम्ब्रॉयडरी कॉटन थ्रेड है जिसके मैंने 2 स्ट्रैंड्स यूज़ किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू डिज़ाइन मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट में अटैच करूँगी, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और इसमें 2 लूप्स बनाने के बाद बीच में एक फिंगर का गैप रखेंगे जहाँ पर हम पॉम पॉम अटैच करेंगे। लेफ़्ट साइड में फैब्रिक के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ मैं, तो यहाँ पर एच पे थ्रेड को अटैच करेंगे। वन फिंगर का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। अब कंटिन्यूशन में सेकेंड लूप बनाएंगे यहाँ पर सेम डिस्टेंस रखते हुए वन फिंगर। यहाँ पर भी वन फिंगर रखेंगे इस तरह से, दोनों को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर से हमें इसमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं, तो मैं अब राइट टू लेफ्ट जाऊँगी। वन लूप कंप्लीट होने के बाद इसे अटैच करेंगे यहीं पर सेंटर पॉइंट पे, और जितने लूप यहाँ पर बनाए थे सेकेंड उसमें भी उतने ही बनाएंगे। यहाँ पर अटैच कर दिया मैंने। अब दूसरे साइड में भी मुझे 9 लूप्स बनाने हैं। नाइन लूप्स बनाने के बाद अब हमें इसे अटैच कर देना है यहीं पर। और इसे पीछे नॉट को टाई कर देना है। तो इसी तरह 2 पेयर्स में ऐसे 2 2 लूप्स बनाएंगे और वन फिंगर का बीच में गैप रखेंगे और यहाँ पर हम पॉम्पॉन लगाएंगे। ये जो वन फिंगर मैंने डिस्टेंस इस तरह से गैप रखा है तो इसके अंदर 3 स्मॉल पॉम्पॉम मैंने अटैच किए गैप में, तो यहाँ पर अटैच करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो ये बहुत इजी है बनाना। एक पेंसिल लेंगे और ये नॉर्मल मैंने वूल लिया है, इस तरह से इधर रैप करेंगे और एक नॉट टाई करेंगे। इसके एंड को सीजर से कट कर देंगे। 12 टाइम इसके ऊपर रैप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से एक्स्ट्रा थ्रेड रखेंगे और कट कर देंगे इतना वूल रख के। नेटल में इस तरह से डाल देंगे बुल के एक एंड को और इसे होल्ड करेंगे, और सारे जो लूप्स हैं इसके नीचे से नेटल को इस तरह से पास करेंगे। और सबको होल्ड करते हुए इस तरह से एक नॉट लगा देंगे और ये नॉट को टाइट कर देंगे वूल में से पास करते हुए इस तरह से। अब दूसरे एंड पे जाएंगे, यहाँ पर भी सेम करेंगे इस तरह से।
सारे लूप को टाइट मैंने कर दिया इस तरह से, और यहाँ पर एक और नॉट लगाएंगे। इसे बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये स्मॉल पॉम्पम रेडी है। दो इस तरह से साइड में लगाएंगे और वन सेंटर में लगाएंगे चेन स्टिच बना के। तो जो दो साइड में लगाएंगे वो स्मॉल इस तरह से डिस्टेंस रखना है। नॉट लगा के फैब्रिक के पीछे से हाइड करते हुए निकाल देंगे और एंड को कट कर देंगे। तो इसी तरह और एक पॉम्पम लगाएंगे। ये सेंटर वाला पॉम्पम है, मैंने सेम वही स्टेप फॉलो किए बनाने के लिए। ये जब फाइनल नॉट टाई करेंगे तो इस भी में हमें निडल इंसर्ट करते हुए कितना हमें लंबा रखना है उसके हिसाब से चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन्स बना दी मैंने। अब इसे इसी तरह निकाल देंगे, सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसे सेंटर में अटैच कर देंगे।